काफी इवेंट पैक्ड महीना रहा है जून का। फेड की पॉलिसी आई, ओपेक की बैठक थी, इसके साथ ही हमने देखा कि काफी सारी कमेंट्री भी आई स्टिमुलस को लेकर, रेट हाइक्स को लेकर, और जो पहला हाफ रहा है पिछले साल का, इस साल का, वो भी काफी इवेंटफुल रहा है मार्केट्स के लिए। तो अब सेकेंड हाफ की तैयारी करते हैं सर, बताइए बाजार की नजर क्या रहेगी? ओवरऑल दीप, जो अहम बात रहेगी कि फेड का रुझान किस तरफ रहता है, तो इस हफ्ते फेड की मीटिंग की मिनट्स भी निकलेंगे, तो लोग उसको बहुत एक पैनी नजर से देखेंगे। तो फेड का स्टिमुलस की तरफ क्या रुझान रहता है, ये सबसे अहम बात है इकोनॉमी के लिए और मार्केट्स के लिए। दूसरी अहम बात है कि इकोनॉमिक रिकवरी किस तरह से जोर पकड़ेगी। अब आप देखें तो चाइना सबसे पहले रिकवर हुआ, उसके बाद अब अमेरिका अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है, यूरोप अब स्टार्ट हो रहा है, यूरोप में 50% 60% वैक्सीनेशन सिंगल डोज हो चुकी है और काफी ओपन अप हो रही है यूरोपियन इकोनॉमीज। तो यूरोप का ये सेकेंड हाफ काफी मजबूत रहने की एक गुंजाइश है। और चौथा हुआ इमर्जिंग मार्केट्स, जहां पे अफ्रीका में प्रॉब्लम है, लैटिन अमेरिका थोड़ी बदहाली का एक मंजर है, और एशिया में हमें उम्मीद है कि बड़ी तेजी से फिर से रिकवरी आएगी वैक्सीनेशंस के चलते और ओपनिंग अप होने के चलते। तो अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स के भी पसंदीदा मार्केट्स देखें तो वो रहेंगे चीन, साउथ कोरिया, ताइवान और भारत। ये चार बड़े मार्केट्स हैं जो ज्यादातर विदेशी निवेशकों के ओवरवेट कैटेगरी में है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें, भारतीय मार्केट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, अमेरिकी मार्केट दमदार रहा, 11-15% के बीच में मार्केट बढ़ा, बट मार्केट का जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल बदल गया दीप। पिछले नवंबर में अगर आप याद करें, जिस दिन वैक्सीनेशंस की घोषणा हुई, फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली, उस दिन से हमने देखा एक रोटेशन ट्रेड शुरू हो गई। रोटेशन मतलब के बदलाव आया मार्केट्स में, जबकि साइक्लिकल और वैल्यू स्टॉक्स, और इसमें होते हैं बैंक्स हो गए, जैसे इंडस्ट्रियल हो गए, ऑयल बनाने वाली कंपनियां, एनर्जी कंपनियां हो गई, ये सब बढ़ने लगे बड़ी तेजी से। और ये रहा फरवरी के मिडल तक, जबकि मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई छुए, और उसके बाद हमने देखा जब ये सेकेंड वेव आई और थोड़ा इकोनॉमी में ऐसे लगा कि शायद इतनी तेजी से ना गुजरे, तो साइडवेज हुए मार्केट। बट फिर ये जून की जो फेड बैठक रही है, बहुत अहम बैठक रही, जिसमें दो नेगेटिव सरप्राइज आए। एक, उन्होंने कहा कि हम आपको कह रहे थे, अभी हमने सोचना भी नहीं शुरू किया इस बारे में सोचने का कि कब हम अपना बॉन्ड बाइंग बंद करेंगे, अब हम आपको कह रहे हैं हमने सोचना शुरू कर दिया, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बुरा सरप्राइज था। दूसरा, उन्होंने कहा कि पहले हम 2024 में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सोच रहे थे 3 वर्ष के बाद, अब 2023 में हमें लगता है रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तीसरा, इन्फ्लेशन पे जिस तरह से सब सेंट्रल बैंक्स का रहता है प्रोजेक्शन, उनका प्रोजेक्शन बिल्कुल गलत रहा, जहां 2.5% वो प्रोजेक्ट कर रहे थे 3.5% पे पहुंच गए।